हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेस्टी फूड। आज मैं आपको बहुत ही टेस्टी और इजी कस्टर्ड आइसक्रीम विथ ड्राई फ्रूट्स बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही इजी रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए पहले मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए हमें चाहिए शुगर 1/2 कप, कस्टर्ड पाउडर 2 टीस्पून, कॉर्न पाउडर 2 टीस्पून, थोड़ा सा मिल्क कस्टर्ड पाउडर और कॉर्न पाउडर बनाने के लिए, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स आप अपनी मर्ज़ी में आपके पास अवेलेबल जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो डाल सकते हैं। मैंने काजू बादाम और अंजीर लिया है। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने के लिए पहले हम कस्टर्ड पाउडर और कॉर्न पाउडर दोनों को अच्छे से मिला लेंगे। बिना लम्स के हमें इसे मिलाना है। देखिए, मैं पहले कस्टर्ड पाउडर मिला लूँगी और बाद में कॉर्न पाउडर को मिला लूँगी। थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करते हुए हमें इन दोनों को अच्छे से मिलाना है बिना लम्स के। देखिए, मैंने कस्टर्ड पाउडर मिला लिया है। अब मैं कॉर्न पाउडर को मिक्स करूँगी। इसे भी बिना लम्स के हमें मिक्स अच्छे से मिला लेना है। देखिए, मैंने कॉर्न पाउडर को भी अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब ये दो रेडी हो चुके हैं। मैंने ऑलरेडी दूध को बॉईल होने के लिए रख दिया है स्टोव पे। ये 1 लीटर दूध है, ये 1/2 लीटर हो गया है, अच्छे से गाढ़ा हो गया है। देखिए, इसे मैंने 1 आवर पहले रखा था, ये बॉईल होके अच्छे से गाढ़ा हो गया है। अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। चीनी अच्छे से डिजॉल्व होने तक इसे पकाएंगे। चीनी अच्छे से डिजॉल्व हो गया है। अब हम इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे। कॉर्नफ्लावर ऐड करने से ये थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, इसे अच्छे से पकाएंगे। देखिए दोस्तों, हमने कॉर्न पाउडर और कस्टर्ड पाउडर को इसमें ऐड करके अच्छे से पका लिया है। देखिए कितना गाढ़ा हो गया है। अब हम इसमें थोड़े ड्राई फ्रूट्स को ऐड करेंगे। थोड़े हम गार्निश के लिए रख देंगे, थोड़े इसमें ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए, अच्छे से पक चुका है। अब हम इस मिक्सर को रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रख देंगे और एक कंटेनर में निकाल लेंगे और फ्रीज करेंगे इसे। देखिए कितना अच्छा पक चुका है। अब हम इसे रूम टेम्परेचर ठंडा होने के लिए रख देंगे। देखिए दोस्तों, हमारा जो मिक्सचर है वो रूम टेम्परेचर पर अच्छे से ठंडा हो गया है। अब हम इसे एक कंटेनर में निकाल लेते हैं, एयरटाइट कंटेनर में, और इसे 6 आवर्स के लिए रिफ्रिजरेट होने के लिए रख देंगे। ये बहुत ही टेस्टी रहेगा, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरा रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरा ये वीडियो फर्स्ट से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, मैंने इसे एयरटाइट कंटेनर में निकाल लिया है। अब इसे ढक के 6 आवर्स के लिए हम रिफ्रिजरेट करेंगे, 6 घंटों के लिए। देखिए दोस्तों, हमारे 6 आवर्स हो गए हैं। चलिए देखते हैं कि हमारा आइसक्रीम सेट हुआ है या नहीं, अच्छे से फ्रीज हुआ है या नहीं। देखिए, ये अच्छे से सेट हो गया है। अब हम इसे सर्व करेंगे। हम एक स्पून लेंगे, देखिए इस तरह का स्पून हम लेंगे, और थोड़ा सा पानी लेंगे। पानी में स्पून को थोड़ा गीला करेंगे और इसे स्कूप करेंगे इस तरह से। देखिए कितना अच्छा आइसक्रीम बन चुका है हमारा। हम इसे बाउल में निकाल लेंगे। बहुत ही टेस्टी आइसक्रीम बना है हमारा। देखिए, इसी तरह 2-3 स्कूप और निकाल लेते हैं। बहुत ही टेस्टी रहेगा, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, हमारा आइसक्रीम अच्छे से रेडी हो चुका है। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है।
ये टेस्ट इसका टेस्ट भी बढ़िया होगा। अब हम इस पे थोड़े से ड्राई फ्रूट से गार्निश करेंगे, हमने जो ड्राई फ्रूट्स बचा के रखे हैं उससे गार्निश करेंगे। देखिए दोस्तों, हमारा कस्टर्ड आइसक्रीम विद ड्राई फ्रूट्स रेडी हो गया है। ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, समर में आपको बहुत ही रिफ्रेशमेंट देगी, बहुत ही अच्छा रहेगा। देखिए, अगर आपको मेरा ये रेसिपी पसंद आया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स डालना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।